पहले किसी ने पूछा था कि जो 90 डे पीरियड है वो लास्ट 12 मंथ्स पे कैलेंडर मंथ काउंट करते हैं या एप्लीकेशन जब हम सबमिट करते हैं वो पीरियड, तो बेसिकली वो जो 12 मंथ पीरियड है वो एप्लीकेशन से बैकवर्ड जाते हैं, नथिंग टू विद दिसंबर टू सॉरी जनवरी टू दिसंबर जो कि कैलेंडर ईयर होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। उसके बाद अब हम एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं अली बात कर रहा हूँ मानचेस्टर से। सर मैंने पता करना था, मेरे पास डिस्क्रिप्शन लीव मुझे मिली था जनवरी 2012 में और वो था मुझे जनवरी 2015 तक। उसके बाद फिर मैंने एक्सटेंशन लिया, अभी मेरा वीजा फिनिश हो रहा है फरवरी 2018 में 6 साल की बेस पे। तो मैंने ये पता करना था कि इसके लिए मुझे कोई लाइफ इंटरव्यू के, जब मैं 6 साल के बाद डेफिनेट अप्लाई करूंगा, मुझे लाइफ इंटरव्यू के या कोई इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा या नहीं, और मैं विंडो पे जाना चाहता हूँ और इनडेफिनेट की फीस क्या होगी विंडो पे। बड़ी मेहरबानी यार, लाइफ इन द यूके और इंग्लिश टेस्ट एट द मोमेंट डिस्क्रिशनरी लीव के ऊपर करने की जरूरत नहीं है, विंडो पे आप जा सकते हो। विंडो की फीस ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है, अगर आप मुझसे रब्ता बाद में कर लो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, बट नॉट ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं। आई थिंक 2200 है तकरीबन सेटलमेंट की और 560 आती है सेम डे सर्विस की, बट आई एम जस्ट ऑन टॉप ऑफ माई हेड मैं फिगर्स बोल रहा हूँ। तो अगर आपको प्रिसाइज चाहिए तो यू हैव टू गेट इन टच विद मी, लेकिन इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं। लेकिन बाद में जब आप इनडेफिनेट के बाद नेचुरलाइजेशन अप्लाई करेंगे साल के बाद, उस वक्त आपको इंग्लिश टेस्ट दोनों देने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे शदीद? अल्लाह का शुक्र। तारिक भाई मेरे दो सवाल थे, एक तो ये है कि हमारी अपील अलाउ हुई है आर्टिकल 8 बेस पे, और पूछना आपसे ये था कि एक महीने के बाद उन्होंने फिर हमें वो बायोमेट्रिक भेजे, हमने वो करा के उनको भेज दी वहाँ पर। तो सवाल ये था कि कितना टाइम लगेगा वो कार्ड भेजने में उनको, और एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है तारिक भाई, कार्ड आने के बाद हम अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो हम कितना अरसा बाहर रह सकते हैं, ये जो 2.5 years होगा इसके बीच हम कितना अरसा बाहर रह सकते हैं कंट्री से? ठीक है, देखिए जहाँ तक बात है कार्ड मिलने की, कुछ लोग हैं उनको जल्दी मिलता है, कुछ 6-6 महीने वेट करते हैं। तो अगर एक अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है होम ऑफिस का, जिसको हम पोस्ट डिसीजन यूनिट भी अब बोलते हैं, आप उनका एड्रेस अपने लॉयर से ले लें या मुझे कांटेक्ट करें मैं दे दूंगा, उनको ख़त लिखें, तो फिर थोड़ा सा शायद क्यू में आप ऊपर आ जाएं, बिकॉज़ वो डिपार्टमेंट है जो डील करता है जो अपीलें अलाउ हो जाए उनको वीज़ा इशू करने में। ये तो पहली बात। फिर आ जाते हैं कि 2.5 साल का आपको वीज़ा मिलता है, तो देखें एक बात याद रखें कि आप चाहें जितनी मर्ज़ी दफ़ा आएँ जाएँ, लेकिन आपका होम इधर बेस होना चाहिए। और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा एक दफ़ा जाएंगे तो वो दे कैन स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस कि क्या आप इस कंट्री में रह भी रहे हैं या नहीं। तो एक बारी में अगर 6 महीने से ज़्यादा जाएंगे तो देखिए आस्क दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बाकी अगर आपके बच्चे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, कुछ जाता भी है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो मिड टर्म हाफ टर्म और जो बीच में 2-3 और टर्म्स होती हैं डिफरेंट तरह की, और समर वेकेशन पे ही जाते हैं, तो उसमें आप बेशक पूरी समर वेकेशन बाहर जाएँ, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लोगों ने वो शुरू कर दिया कि 5 महीने कहीं और रह रहे हो फिर 1 महीने के लिए वापस अंदर आ रहे हैं, तो दे मे स्टार्ट आस्किंग कि भाई आप इस मुल्क में रह भी रहे हैं या नहीं। लेकिन अलार्म बेल उनके बजते हैं जब आप 6 महीने से ज़्यादा कंट्री से बाहर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा प्रॉब्लम एक मेरी फ्रेंड के लिए है, वो जो है उन्होंने 2012 में यहाँ वो आई थी, उन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई करके सारा उन्होंने जो है ना अपना सारे पेपर्स एंड हर चीज़ सबमिट कर दी, लेकिन उनका सारा सिलसिला जो है ना अपर ट्रिब्यूनल तक जाके उसके बाद हाई कोर्ट से उनको रिफ्यूज कर दिया गया। बीच में वो साइलम में भी अप्लाई किया था उन्होंने। अच्छा। अभी उन्होंने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ और वो और उनके बच्चे जो हैं वो वैसे ही रह रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको 5 साल हो गए इस कंट्री में आए। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि 7 साल तक अगर बच्चे पढ़ते रहते हैं और वो इस कंट्री में रहते हैं तो उनकी आगे लीगल सिचुएशन बन जाती है और वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो उनके बच्चों क्या सजेस्ट करेंगे? और उनके बच्चों की एजेस क्या है? उनकी एक तो जो है उनकी बेटी 15 साल की हो गई है, उसने अब 16 साल का हो जाना है, और जो उनका बेटा है वो 12 साल का हो गया है। okay. और वो मुसलसल स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके okay. और मुझे बता दें कि ठीक है, दैट्स फाइन और अभी उनको 5 साल हुए हैं। यस yes?
जी अभी 5 साल हुए हैं, तो आगे यही कहा गया है कि अभी आप लोग कुछ मत करें, अभी जस्ट आप वेट करें, बच्चे 7 साल हो जाएंगे तो देन आप एक नए सिरे से अप्लाई करेंगे और सारा सिलसिला। ठीक है, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ या एडवाइस नहीं है, तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड को जब आप ये बात बताएं तो सबसे पहली बात ये बता दीजिएगा कि तारिक भाई ने कहा था ये एडवाइस नहीं इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इस शो का फॉर्मेट एडवाइस देना नहीं है। जहाँ तक बात आती है एप्लीकेशन डालने की, तो जाहिर बात है जो मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन उनके लिए अंडर द ह्यूमन राइट्स है वो ये है कि जब 2 साल बाद बच्चों को इस कंट्री में 7 साल हो जाएंगे देन शी वुड बी इन अ पोजिशन टू मेक द एप्लीकेशन। अब उसमें एक छोटी सी बात ये कि उनकी एक उनमें से बच्चे की उम्र 16 साल है, तो वो जब 18 हो जाएगा या हो जाएगी तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि होम ऑफिस वाले उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करें और कहें कि आप अडल्ट में आ गए तो हम दूसरा वाला उस पर फॉर्मूला लगाएंगे। वो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, वो एक नया, अगर होम ऑफिस इस तरह डिसाइड करता है कोई एक नया आपके लिए खुल जाएगा प्रॉब्लम जिसको आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 7 ईयर रूल तो है अपनी जगह। अगर 2 साल बाद आप समझते हैं कि जो बड़े वाले बच्चे इसकी उम्र 18 से ऊपर हो जाएगी देन वॉट यू कुड परहैप्स डू, इसके एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं सेक्शन 55। सेक्शन 55 ये बोलता है, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन एक्ट, जो बेसिकली ये बोलता है कि होम ऑफिस कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जो बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं हो। जो मुझे एजेस बच्चों की लग रही हैं 15, 16 एंड 12, इट सीम्स एज इफ कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उनके, यानी कि जो मेन साल होते हैं बच्चों के जिसमें वो हाई स्कूल जाते हैं, अब वो मोस्ट लाइकली कोई ए लेवल कर रही होगी, कर रहा होगा, कोई GCSE होगा, एंड इट इज़ वेरी क्रूशल मोमेंट आपके बच्चों की लाइफ का, बिकॉज GCSE ए लेवल्स आपको प्लान आउट करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, और अच्छी यूनिवर्सिटी जाएंगे लाइफ बन जाती है। तो मे बी वो बच्चे इतने प्रेशर में अपने इमिग्रेशन के लिए कि अगर कोई उनके खिलाफ फैसला दिया गया तो शायद उनकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा खर्च पड़े, जो कि सेक्शन 55 कहता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का ऐसा डिसीजन होम ऑफिस को नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि शायद आप खुद ये ना बोलें, बिकॉज शायद होम ऑफिस कह के जी तो आप पेरेंट्स हैं, आप बोल रहे हैं, आप तो कुछ भी बोलेंगे बच्चों के बारे में। मे बी इट इज़ एडवाइजेबल कि वो किसी प्राइवेट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को या सोशल वर्कर को बच्चों की असेसमेंट कराएं, और अगर वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर बच्चों की इंडिपेंडेंट असेसमेंट करके ये एनालिसिस करते हैं कि जी हमने जो इनका व्यू लिया है अगर इनको अपरूट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम से, ऑल्दो सिर्फ 5 साल हुए हैं लेकिन अगर अपरूट कर दिया यूनाइटेड किंगडम से बच्चों को, तो ये इनको बहुत ही डैमेजिंग होगा इनके लिए इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्टली। तो वो फिर सेक्शन 55 के तहत अभी भी अप्लाई कर सकती हैं और फिर उस केस को लड़ती रहें। अब अगर उस केस को सेक्शन 55 का अभी अप्लाई करके लड़ती हैं और कल जाके 7 ईयर का भी बीच में आता है, तो जो बच्चा 18 का बाद में होगा क्योंकि आपने केस पहले डाला हुआ है तो उसकी एज वहीं रुक जाएगी। तो दैट्स समथिंग टू लुक इनटू। अगेन प्लीज़, ये एडवाइस नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। एडवाइस के लिए नीड टू गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन, जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड के अंदर, जो कि बैठ के आपसे 50, 20, 30 तरह के सवाल करके आपको मशवरा दे के जी आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बट दे नीड टू गो सी समबडी जो कि फिर उनको सही डायरेक्शन के ऊपर गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कल पहले भी ड्रॉप हो गई थी, जैसे कि मुझे क्या था ना कि 2012 में मुझे डिस्क्रिप्शन रिलीव मिली थी, फिर दोबारा उन्होंने जब मुझे अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे 3 साल और 9 महीने की दी इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स। जी सो मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक तो ये क्योंकि, और दूसरा ये क्वेश्चन ये था कि क्योंकि मैं बेनिफिट में हूँ, मैं कोई पुरानी डिजीज में हो गया हूँ 2012 में, तो मैं बेनिफिट में हूँ, तो क्या ऐसा कोई हो सकता है कि मेरी फीस एग्जेम्पशन हो सकती है। नंबर दो मेरे क्वेश्चन ये है सर कि ये जो ये क्या कहते हैं इसको 3 साल जो शुरू होते हैं, जैसे कि 8 साल में आप 90 डेज आउट ऑफ कंट्री रह सकते हैं, तो ये जो मैं अप्रैल में मुझे स्टे मिली, तो अप्रैल टू अप्रैल काउंट होगा कि नहीं, फ्रॉम 1 जनवरी टू दिसंबर होगा, प्लीज ये मुझे बता दें, मैं टीवी पे सुनता हूँ। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं, क्योंकि जब मैं शो के बाद वापस आया था मैंने इमीडिएटली बोला था कि वो एप्लीकेशन से 12 महीने पहले देखते हैं, जो कैलेंडर पीरियड होता है जनवरी टू दिसंबर उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात, ये जो क्वालिफाइंग पीरियड है ज़्यादा इंपॉर्टेंटली वो देखते हैं नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के वक्त, सेटलमेंट के बाद देखा गया कि दे आर क्वाइट रिलैक्स्ड। अब जहाँ तक आपने बोला कि आप बेनिफिट ले रहे हैं, देखें जाहिर बात है टेक्निकली स्पीकिंग दैट इज़ इन ब्रीच ऑफ योर वीज़ा कंडीशन, और अगर स्ट्रिक्टली इमिग्रेशन रूल को देखा जाए तो उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं
कि वो आपकी सेटलमेंट एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं इस बेसिस पे कि जी आपने क्यों ली बेनिफिट्स जब आपको इजाज़त नहीं है. लेकिन अभी तक जो देखने में जो आया जो कल वो चेंज कर सकते हैं कि अगर कोई बेनिफिट लेता है और उसको इजाज़त नहीं है, सेटलमेंट तो दे देते हैं लेकिन जब नेशनलाइजेशन की साल बाद बारी आती है तो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्रूव नहीं करते, कहते हैं अब 10 साल वेट करो बिकॉज आपने बेनिफिट लिया था जब आपको इजाज़त नहीं थी. तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो वो पॉलिसी देख रहे हैं उसमें तो सेटलमेंट दे रहे हैं, लेकिन प्लीज़ इसको एडवाइस ना समझें बिकॉज अगर सख्ती से इमिग्रेशन कानून को पढ़ें और जो 322 पैराग्राफ्स हैं जिसमें जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल आते हैं, जिसमें वो डिस्क्रेशनरी उनके पास पावर्स हैं, उसमें लिखा है कि अगर आपने कभी कोई चीज़ ब्रीच की अपने वीज़ा कंडीशन की तो हम आपको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर सकते हैं, और उस डिस्क्रेशनरी पावर के ऊपर वो सेटलमेंट भी आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं. लेकिन फिर वो जारी बात है कि और बड़े फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं जो चैलेंजेबल हैं, तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता ना मैं आपको डराना चाहता हूं. लेकिन अगर आप पूछेंगे कि जी मैं बेनिफिट लूं बाद में मेरा सेटलमेंट मिल जाएगा, तो मैं यही बोलूंगा कि वो डिपेंड करता है कि होम ऑफिस किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन को व्यू करें. लेकिन इस वक्त देखने में आया कि सेटलमेंट दे देते हैं लेकिन नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन के वक्त तंग करते हैं. तो अगेन ये इस वक्त की पॉलिसी है, कल चेंज हो जाती है तो नोबडी कैन से एनीथिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो वाला कि मेरा एक्स हस्बैंड है वो विजिट करना चाहते हैं. मैंने उसके मुताबिक सवाल ये करना था आपसे कि वो एप्लीकेशन अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, क्या वो पेपर पे वहाँ से पाकिस्तान से कर सकते हैं या मैं ऑनलाइन यहाँ से भी करवा सकती हूँ, क्योंकि वह कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है, पता करके बताओ कि वहाँ से भी अगर हो सकती है. और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो उनके वो क्या होने चाहिए, और या मैं इधर से अकोमोडेशन दिखा सकती हूँ उन्हें, और क्या मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकती हूँ, कोई एतराज तो नहीं वो करेंगे. तो मेरे पास वैसे यहाँ पे रहाइश तो है जो मैंने दिखा सकती हूँ कि वो मेरे पास ही आके यहाँ ठहर सकते हैं विजिट के लिए हफ्ता दो हफ्ते के लिए. okay. तो और कौन से उनके पेपर लगेंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहाँ उनके बिहाफ पे यहाँ से किसी वकील से करवा सकती हूँ, और फीस वगैरह क्या है प्लीज कुछ बताइए इसके बारे में. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. पहली तो बात है बड़ा मुबारक लगता है आप, क्योंकि लोग मुझे नाराज़ होते हैं बाद में ईमेल करके जब फ़ोन करते हैं कि तारिक भाई आपके शो में हमने इतनी कॉल की थ्रू नहीं हुआ कुछ आप, और आपको माशाल्लाह दो दफ़ा हुआ है लोगों को दोबारा मौका मिल गया है, तो विच इज़ गुड. एनी वे देखिए पहली बात आ जाते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो वो बैठ के बंदा बात करता है और पूरा एक्सप्लेन करता है केस समझ के, लेकिन मोटा मोटा ये है कि अगर उनका मुद्दा ये है कि मैं अपने बच्चे को मिलने जा रहा हूँ, तो सारी बात है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये है कि आप अपनी तरफ से कंफर्म करेंगे कि हाँ जी आके अपने बेटे से मिले या बेटी से मिले, और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर, और इन वजूहात से मैं उधर नहीं जा सकती तो उनका इधर आना बेहतर है क्योंकि मेरे लिए शायद कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. जहाँ तक बात होती है अकोमोडेशन, तो सारी बात अगर आप किसी भी घर में रहती हैं और एज लॉन्ग एज उसमें ओवरक्राउडिंग नहीं होती उनके आने से, तो वो आप अपने लैंडलॉर्ड से लेटर लेके लिखवा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि इनका मेन स्टे है. जो इशू आपने बोला वो बैंक स्टेटमेंट आप बेशक अपनी लगाएं, लेकिन आप एक बात भूल गए कि उन्होंने ये विजिट वीज़े पर असेस करना है कि ये जेन्युइन विजिटर हैं, जो कि बन जाएगा इस बात से कि उनका बच्चा इधर है उनसे मिलने आ रहे हैं, बट ही कैन अफोर्ड हिज जर्नी. तो अगर आप पैसे दे रही हैं और आप शो कर रही हैं पैसे, तो दे कैन टर्न अराउंड एंड से कि जी आपके पास तो अपने पैसे भी नहीं वहाँ जाने के, तो हमें क्या पता वापस आए ना आए. तो यू ही हैज़ टू शो अ गुड सेटअप इन पाकिस्तान, जिससे ये बात प्रूव हो कि वो बोलें कि मैं बच्चे से मिलकर वापस आऊँगा बिकॉज मेरा इधर एक खानदान चल रहा है, नौकर चाकर हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, मेरी प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है, मेरा अच्छा भला सारा सिस्टम इधर चल रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास है, जो भी जिनके हालात हैं, नौकर चाकर है मेरे पास, मैं क्यों जाके उधर बैठूंगा. तो वो सारी पिक्चर दिखानी होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स यस, जो आपका पहला सवाल था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बिल्कुल पेपर नहीं है, तो वो आप कहीं से भी दुनिया में बैठ के डलवा सकते हैं, यहाँ से भी किसी को बोल सकते हैं और वो आपके साथ बैठ के वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं. अगेन मुझे बताया जाता है कि ब्रेक का टाइम हुआ है, ईमेल एक आ रही होगी, अगर आप पेन एंड पेपर आपके पास है तो उसको नोट कर लें. अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो इस पर अपना नाम टेलीफोन नंबर भेज दें, आई कैन गेट बैक टू यू, बिकॉज आपके कुछ सवाल हैं जो शायद मैं शो के अंदर जो आप डिटेल में नहीं दे सका, या वैसे आपका कोई ऐसा सवाल है आप कॉल नहीं कर सके थ्रू नहीं हुई, तो यू कैन टेक दिस मेथड.